तो दोस्त, इंडिया ने तो AFC एशियन कप में क्वालिफाई कर लिया है एंड कोच इगोर सिमैक ने अपने आप को प्रूव भी किया है एंड पीपल रियली प्रेज्ड हिम अ लॉट। तो नाउ गाइस, व्हाट डू यू थिंक कि इगोर सिमैक साहब के साथ क्या हमें AFC एशियन कप 2023 में जाना चाहिए या किसी दूसरे कोच को अपॉइंट करना चाहिए? तो देखते रहिए वीडियो को, मैं आपको फेडरेशन का क्या स्टैंड है इस बारे में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है सोमोदीप और मैं आप सभी को इंडियन स्पोर्ट 360 की और एक ब्रांड न्यू एपिसोड पे वेलकम करता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट था, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इससे हमें और भी मोटिवेशन मिलता है इंडियन फुटबॉल के लिए और भी बेहतरीन कॉन्टेंट्स लाने में। देखिए, इंडिया के करेंट कोच टिमैक साहिब का प्लेइंग स्टाइल है पोजिशन बेस्ड, जो आप सच में प्लेयर्स को 2-3 दिन में समझा नहीं सकते। जो कोऑर्डिनेशन अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो लॉन्ग ट्रेनिंग के साथ ही डेवलप होता है। तो इससे पहले इंडिया ने जो भी मैच खेला है वहाँ पे प्लेयर्स 2-3 दिन पहले कैंप को ज्वाइन करता था, सो देन इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट। तो इस बार कोच को एक 1.5 महीने का लॉन्ग कैंप मिला था, सो ही परफॉर्म्ड वेल। और वर्ल्ड कप क्वालिफायर में ओमान के खिलाफ जब पहला मैच खेला था इंडिया, देन ऑल्सो इंडिया डिड वेल और वहाँ पे भी एक लॉन्ग कैंप किया गया था। तो दोस्त, इससे हम समझ सकते हैं कि येस, स्टीमैक कैन डिलीवर। बट दोस्त, इस रिसेंटली कंक्लूडेड एशियन कप क्वालिफायर्स में इंडिया को लोअर रैंक्ड इजी ओपोनेंट मिला था, बट AFC एशियन कप में टॉप क्लास एशियन टीम्स होंगे और हम तो इस टॉप क्लास एशियन टीम्स के खिलाफ एकदम 11 प्लेयर्स मिलकर डिफेंस करने लगते हैं ड्रॉ करने के लिए। मगर ऐसे तो हम एशियन कप में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ डिफरेंट टैक्टिक्स के साथ जाना चाहिए और एक रेगुलर प्रिपरेशन चाहिए टू डू वेल इन AFC एशियन कप, क्योंकि ग्रुप क्या हो सकता है दैट इज़ नॉट इन आवर हैंड। हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो है प्रिपरेशन। आई होप इगोर सिमैक के पास कुछ प्लान तो ज़रूर है इसके बारे में। और अगर न्यू कोच लाना ही है देन अभी मैक्सिमम 1 ईयर बाकी है कॉन्टिनेंटल कॉम्पिटिशन्स शुरू होने में, तो इंडियन फुटबॉल सिस्टम में एकदम नया कोई आके कुछ भी समझ नहीं पाएगा। तो इफ़ न्यू कोच इज़ नीडेड टू बी अपॉइंटेड देन कोचेस लाइक मैनुएलो मार्केज, एल्बर्टो रोका, सर्जियो लोबेरा, इन जैसे कोचेस को लाना चाहिए, क्योंकि इन 3 कोचेस को इंडियन फुटबॉल के बारे में ह्यूज अंडरस्टैंडिंग है। बट दोस्त, COA जो फेडरेशन के अभी डे टू डे अफेयर्स को रन कर रहा है, उसके एक मेंबर डॉक्टर कुरेशी साहब ने ये कहा है कि दे आर रिव्यूइंग स्टीमैक्स कॉन्ट्रैक्ट जो सेप्टेम्बर में एंड होने वाला है। तो इट इज़ वेरी लाइकली कि स्टीमैक साहब का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होने वाला है टिल AFC एशियन कप 2023, बिकॉज न्यू कोच को अपॉइंट करना अभी शायद मेरे हिसाब से भी सही नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है दोस्त, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यह था एक छोटा सा डिस्कशन, यहाँ पे ही इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलता हूँ आपको और किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।